जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा नाम समाज इंसाफ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही सबसे पहले सारे सब कॉन्टिनेंट में लैंड टू टिलर प्रोग्राम के तहत कोई 34 लाख कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र की, जो बगैर किसी मुआवजे के टिलर्स की, और उसमें 70% जम्मू में शेड्यूल कास्ट तबके को मिली। तो जहाँ तक पहाड़ी तबके को शेड्यूल ट्राइब देने का मामला है, तो हमारा ये पहले ही मौक़ रहा जब शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस दिया गया गुजर और बकरवाल को, उसी दिन से हमारा ये मौक़ रहा कि पहाड़ी को भी देना चाहिए। बल्कि इसके सिलसिले में हमने हमारी कैबिनेट में बाज़ाबता एक रेजोल्यूशन हुआ और हमने एक कम्युनिकेशन एड्रेस किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इनको भी दिया जाए शेड्यूल, जो गुजर बकरवाल है उनके जो उनका कोटा है, उनका जो हक है, उसको डाइल्यूट किए बिना, उसको मुतासर किए बिना। तो वो 1980 की दिहाई में भी नहीं, ये प्रपोजल जो है वो प्रांतीय सरकार को भेजा गया जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की तरफ से। तो उसके बाद जब अनदेखी की गई तो हमने 4% का कोटा इनके लिए मखसूस रखा, लेकिन उसका भी सबोटाज वही उन्होंने किया जो आज पहाड़ी के बारे में बोल रहे हैं। तो हमारा पहले दिन से ही ये रहा है कि जम्मू कश्मीर जो शेड्यूल ट्राइब और गुजर बकरवाल तबका है, जो शेड्यूल ट्राइब का, तो उनके हक को डाइल्यूट किए बिना, मुतासिर किए बिना, कम किए बिना इनको ये हक दिया जाए। और इसके बारे में सरकार गारंटी दे रही है, हम चाहते हैं कि हाउस को एतमाद में लिया जाए कि वो कैसे गारंटी अपनाएंगे, क्या वो जो अपर कैप उसमें कोई चेंज करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा ये बिल्कुल अनएम्बिगुअस, बिल्कुल एक क्लियर स्टैंड है कि जो इस वक्त शेड्यूल ट्राइब कमेटी है, गुजर बकरवाल कमेटी है, उनका जो भी हक बनता है उस हक को डाइल्यूट किए बिना जो हमारा पहले से मौका रहा है पहाड़ी को दिया जाए। तो हमारा ये बिल्कुल इसमें कोई स्पष्ट रहा है, कोई इसमें कोई जो आज बात कही जा रही है, जो ये बात कर रहे हैं वो उसी पार्टी की बात करें जिसके साथ हुकूमत में रहे, तो तब उनको याद नहीं आई पहाड़ी की, अब आ रही है, चले ठीक है। लेकिन हमारी याद ये है, ये 1980 की दिहाई से ही है जब हमने ये कहा है कि इनको वो हक दिया जाए। लेकिन हमें एक बात है, हम ये बात बिल्कुल वाजह करना चाहते हैं कि सरकार हाउस को कॉन्फ्रेंस में ले, जो आप कह रहे हैं कि हम इनको देंगे लेकिन उनका डाइल्यूट किए बिना, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसकी मॉडलिटीज़ क्या होगी, मेथडोलॉजी क्या होगी, उसके बारे में कहें। तो यहाँ तक जो एक मिनट जहाँ तक जम्मू ये वाजह मैं करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही जो डिप्राइव्ड है, डिसएम्पावर्ड है, आखिरी पायदान है, उनके साथ खड़ी रही है। और जब सारे बरसगीर में, जैसे मैंने कहा, कोई भी लैंड रिफॉर्म का कोई प्रोजेक्ट कहीं पर था ही नहीं, हमने 34 लाख कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र की जो कि जम्मू में 70% शेड्यूल जो शेड्यूल कास्ट है उनके हक में हुई। तो आज की तारीख में जब ये आप कर रहे हैं, जब ये प्रयास हो रहा है, तो हम ये तो बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि हमें यह कहा जाए कि हमने 4% जो हमने इनको दिया वो क्यों सबोटाज किया था। जी समाप्त किया, हम कर दिया, आपकी कहाँ चली गई थी। आज अगर है, एक मिनट बोले, अब जम्मू कश्मीर का ही मामला है ना, जी, तो आज अगर दिया तो आप कैसे ये गारंटी करेंगे। लेकिन ये जरूर हो कि गारंटी हो और हाउस को एतमाद में लिया जाए, मंत्री जी ये कहें हाउस में कि कैसे हम जो हमारा शेड्यूल ट्राइब है, जो गुजर बकरवाल है, उसका जो हकूक है, उसके हक में जो है, कैसे उसको मुतासर किए बिना आप दे देंगे जो पहाड़ी को देंगे, जिसके लिए हमारा 1980 की दहाई से ही हमारा पूरा रहा है, पूरा ये मुतालबा रहा है कि इनको दिया जाए। इस पार्टी की तरह नहीं जो आज ये बात कर रही है, लेकिन आज से पहले जब सरकार में थे तब इनको इनकी याद नहीं आ रही थी। वणकम मैडम चेयरपर्सन, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक।